So इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने ये रास लीला, इस रास लीला में भगवान चाहते थे कि सभी गोपियों एक साथ एक ही स्थान वंशीवट में उन्होंने सोचा कि सब गोपियों को बुलाकर वहां पे जो है उनकी जो पूर्ण इच्छा है भगवान के साथ संबंध का उसको वे जो है पूर्ण करे। कहा गया है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गा, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो वृंदावन में वंशी वट बहुत सुंदर स्थान है, वहां पे पेड़ है, अभी भी है, हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में बताया गया। श्री बदराय ने वच भगवान पीत रात्रि शरदोत्पूल मालिका विक्षेरंता मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। तो भगवान जो है उन्होंने इस शरद पूर्णिमा की रात उन्होंने बहुत ही सुंदर सुगंधित बहुत ही मधुर और बहुत ही जो प्रिय वातावरण को देखकर उन्होंने अपनी योग माया शक्ति से इस रासलीला अपने प्रिय भक्तों के साथ इस रासलीला करने का उनके उनके मन में ऐसी इच्छा भगवान की आनंदमय शक्ति आध्यात्मिक शक्ति योग माया है। और योग माया के कारण के द्वारा भगवान अनेक अनेक जो लीला है करते हैं। ये रास लीला वो बहुत ही सर्वोच्च उत्तम श्रेणी का जो स्तर है आध्यात्मिक स्तर, ये इस रास लीला में प्रतीत होता है। इसकी चर्चा जो भौतिकवादी लोगों के बीच में नहीं की सकती, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का मधुर रस रास है भगवान का। पर ये जानना जरूरी है कि भगवान जो है इस रासलीला के समय वे 8 साल के, और जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त थे तो उनकी ये इच्छा हुई और उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और बांसुरी के मधुर ध्वनि में के द्वारा 64 राग और 32 राग और 64 रागिनी की मधुर ध्वनि उन्होंने अपने बांसुरी वंशी वट। और जब उन्होंने ये बांसुरी बजाई तो सभी गोपियों ने जब इस बांसुरी का मधुर जो
ध्वनि उन्होंने सुना तो तुरंत जो कुछ भी वे कर रही थी पूरे बहुत सुंदर रूप से इस अध्याय में वर्णन किया गया है। हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इस लीला को समझने के लिए और इस लीला को बताने के लिए समय भी चाहिए और ऊंचा आध्यात्मिक स्तर भी चाहिए समझने के लिए बताने के लिए। तो शॉर्ट में ऐसे हम जान सकते हैं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां सब कुछ छोड़ उसी क्षण, वे ये भी नहीं देख रही थी कि वे कौन सी अवस्था में, किसी ने श्रृंगार कर रहे थे तो श्रृंगार आधा छोड़ के, किसी ने अपनी कान की बालियां एक पहनकर दूसरा भूलकर, सब कुछ जो कुछ भी कार्य कर रहे थे सब कुछ उन्होंने तुरंत त्याग किया। अपने अपने बच्चों को भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ के वे भाग के आई भगवान की इस मधुर बांसुरी की ध्वनि धुन को सुनकर। और ये रात्रि के समय अनेक अनेक प्रकार अनेक अनेक श्रेणियों की गोपियां, उसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत ही विस्तार रूप में इतनी सारी प्रकार की गोपियां, श्रेणी की गोपियां कि हम अंदाजा भी नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स गोपियों, 10, हर एक ग्रुप में 10 अर्बुदा गोपियां, एक अर्बुदा मतलब 1 करोड़। तो इस प्रकार से हर एक बहुत सारे अनेक अनेक झुंड थे गोपियों के, इतने इतने सारे श्रेणियों की गोपियां थी। भगवान जो है भक्तवत्सल है, भगवान जो है वे चाहते थे कि सभी गोपियों का वे एक ही साथ एक ही रात्रि में सभी जो गोपियों का जो इच्छा है या कहा जाए उनके भक्तों की इच्छा को वे पूर्ण करना चाहते थे। तो इस प्रकार से इतनी सारी गोपियां वहां पे अनेक श्रेणियां है। एक तो वेद है, जब वेद ने भगवान को का दर्शन दिया तो वे भी भगवान के साथ जो है मधुर रस में आदान प्रदान करना चाहते थे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब मैं अवतारित हूंगा इस धराधाम पर तब मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूं। जब भगवान श्री राम के अवतार में जब भगवान मिथिला गए थे तो मिथिला की सभी स्त्रियां जो है भगवान को देखकर बहुत ही आकर्षित हुई और वे चाहती थी सभी स्त्रियां भगवान श्री राम का सुंदर रूप देखकर वे चाहती थी कि भगवान ही हमारे पति बने। और जब भगवान ने धनुष तोड़कर सीता जी को प्राप्त किया तो सभी जो वहां की स्त्रियां थी ये भगवान श्री राम को अपना पति मानी थी। तो भगवान ने कहा मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं सिर्फ एक पत्नी को स्वीकार कर सकता और कुछ और कोई नहीं, पर मैं आप लोगों की इच्छा
पूर्ण करूंगा द्वापर युग के अंत में जब मैं कृष्ण के रूप में होता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो जब श्री राम वन में भी घूम रहे थे तो सभी जो ऋषि मुनि जो थे भगवान का रूप देखकर वे भी चाहते थे कि भगवान के साथ उनका निजी संबंध हो। जब सीता जो सीता जब वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी तब श्री राम जी को बहुत सारे यज्ञ करने पड़े। तो यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई बहुत सारी, वे सब जीवित होकर कहने लगी कि हमें भी आपके, हम भी आपको अपने पति के रूप में मानना चाहते हैं, तो आप भी हमें स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा नहीं, ये संभव नहीं। एंड ऑफ द्वापर पंचवटी में भी जब भगवान गए थे तब वहां के जो भीलनी थे वे भी सब भगवान को देखकर इतनी आकर्षित हो गए कि भगवान के चरण कमलों में, भगवान श्री राम के चरण कमलों में गिरकर उन्होंने कहा कि हमें, हम आपको ही है अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, आप कृपा करके। तो भगवान ने कहा सॉरी नॉट पॉसिबल, सिर्फ सीता एंड ऑफ द्वापर युग में आपका ये सब इच्छा पूर्ण कर सकते। तो अनेक अनेक स्त्रियां है, श्वेतर द्वीप की स्त्रियां है, वैकुंठ की स्त्रियां है, लोकाचल वरुण की पुत्रियां है, और बहुत बहुत सारे अनेक अनेक श्रेणी के जो स्त्रियां थी, ऋषि मुनि थे, अनेक अनेक भक्त थे जो भगवान को अपने पति के रूप में बहुत नजदीक माधुर्य रस में वे जो है भगवान के साथ ये प्रेम के रस में संबंध जोड़ना चाहते थे, वे वहां पे उपस्थित हो गए। और भगवान ने इस प्रकार से सभी गोपियों को एक ही स्थान पर बुलाकर उनका जो इच्छा जो पूर्ण किया। तो ये रासलीला बहुत सुंदर है और इसका पूर्ण वर्णन किया गया है किस प्रकार से गोपियां सब कुछ छोड़ के आई और भगवान कह रहे हैं अच्छा क्या बात है, किसके लिए आए हो, अब क्या करना चाह रहे हो, अच्छा रात में आप कहाँ किसको मिलने आए हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ये आदान प्रदान होता है। भगवान देखना चाहते कि हम कितने उनके शरणागत है। और इस प्रकार से जो भगवान ने इन गोपियों का बहुत सारा जो उनको टेस्ट किया और गोपियां पूर्णतया से जो है भगवान के शरणागत हो, कहती है कि आप इतने कठोर क्यों हैं, हमसे ऐसे क्यों बात कर, आपने बुलाया और हम सब कुछ अपने पति अपने घर अपने बार अपने बच्चों सब कुछ को छोड़ के आपके पास आ रहे और हम पूछ रहे कि क्या है, आप चले जाओ घर वापस चले जाओ, ये बहुत रात्रि बहुत भयानक है, अंधेरे में ये बहुत सारे भयानक यहाँ पे जानवर होते हैं, आप लोग जाइए, आपका आपका कर्तव्य है घर में रहने के लिए, यहाँ पे नहीं, आप अपने पति की सेवा कीजिए, आप अपने परिवार की सेवा कीजिए। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी चीजें गोपियों को बोल, गोपियां बहुत मायूस हो गए कि अरे उन्होंने बांसुरी बजाई, हमको हमारे मन को उन्होंने छीन लिया और आप भी कह रहे हैं कि घर जाओ अपना अपना सब, क्यों आई हो यहाँ पे, क्या कारण है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया गया इस कन्या और
तो गोपियां कहती है कि हमारा मन, हमारा तन, हमारा सब कुछ आप ही के चरण कमलों में अर्पित है, हम दूसरा और कुछ नहीं जान सकते और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है और हम कहाँ जाए, हम पूरी तरह से आपके शरणागत है। आप हम घर के भी जो भी कार्य करते हैं बस हमारा मन आप ही के स्मरण में और आप ही के विचारों में, आप ही की सेवा, और अब हम चाहते हैं कि बस आप ही का चरण कमलों की सेवा करें। तो कृपया करके हमें ऐसे मत बोलो, हमें स्वीकार कीजिए, आप ही हमारे पति है, आप ही सब कुछ है और आपके सिवाय हमारे जीवन में और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए और इस सुंदर जो वातावरण, इस शरद ऋतु और ये शरद पूर्णिमा के समय में उन्होंने इन सब गोपियों की इच्छा पूरी। और हम देखते हैं कि भगवान हरेक गोपियों के साथ, इतनी अर्बुदा गोपियां थी, इतनी करोड़ करोड़ गोपियां थी उस राशि में, सभी गोपियों के साथ, सभी गोपियों ने अनुभव किया कि भगवान हमारे साथ। ये भगवान की शक्ति, भगवान जो है हम सबके साथ रह सकते, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान उनके पास है लेकिन हमारे पास नहीं, भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे लेकिन हमारे पास, हमारे ऊपर कृपा करने नहीं रहे हैं, उनको भगवान मिल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा। हम भगवान की शक्ति को नहीं, भगवान सभी के एक साथ एक समय सभी की का प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर सकते, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये प्रेम और भक्ति, क्योंकि ये भक्ति का एक गुण है या लक्षण है कि The characteristics of devotional service गुरु का गोस्वामी बताते कि भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करती है। और इस प्रकार से भगवान ने देखा कि गोपियां ने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, सब कुछ, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, सब कुछ उन्होंने, भगवान कहते कि मैं आप लोगों का इतना ऋणी हूं कि मैं लक्ष्मीपति होते हुए भी आपके ऋण को नहीं चुका सकता। तो इतने भगवान आकर्षित हो जाते हैं इस भक्ति, और हम देखते हैं इस महीने में सुंदर दामोदर अष्टकम में सत्यवती मुनि इस भगवान की सुंदर प्रेममय बाल लीला, लीला माधुरी भगवान का एक गुण, वेणु माधुरी, जैसे कि इस शरद पूर्णिमा के रात्रि को भगवान ने वेणु बना बजा कर सभी को आकर्षित